बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री पर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि ना आता ना पता कौन है धीरेंद्र शास्त्री, और लगभग सभी कांग्रेसी यही जुबान दोहरा रहे हैं। कांग्रेस एक बार फिर हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रही है। हो सकता है धीरेंद्र शास्त्री कोई चमत्कारी ना हो, वेद के ज्ञाता ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बन चुके हैं, और इस देश का संविधान किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाने की इजाजत तो नहीं देता। लेकिन धर्मनिरपेक्ष छवि वाले इस बात को भूल जाते हैं कि हिंदू धर्म इस देश के बहुसंख्यकों का धर्म है। इनके वोट से ही सरकार बनती है और गिर भी जाती है। मतलब पूरा हिंदू समाज आज एक साथ महाराज के समर्थन में उतर आया है। हो सकता है धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हों। इसमें नई बात क्या है? इस्लाम, ईसाई, पारसी, बौद्ध या कोई भी अन्य धर्म यही करता है। आखिर अंधविश्वास कहां नहीं है? विज्ञान की कसौटी पर दुनिया का कोई भी धर्म टिक ही नहीं पाएगा, फिर एक तरफा विरोध हिंदुओं का ही क्यों? ये सवाल सोशल मीडिया पर आम जनता पूछने लगी है। चलिए आपको पूरा विवाद बताते हैं। सोशल मीडिया पर कई दिनों से बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। कथावाचक आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उनको लेकर कहा जा रहा है कि वे देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वे लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री पर ये सभी आरोप महाराष्ट्र की एक संस्था ने लगाया है। बागेश्वर धाम सरकार के प्रसिद्ध महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी कि वह नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाएं। संस्था ने कहा कि अगर धीरेंद्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उनको चुनौती स्वीकार ही नहीं है। कहा जा रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री ने संस्था की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वह वहां से भाग गए। लोगों का कहना है कि वह डर कर नागपुर से वापस लौट आए हैं। अंधविश्वास कौन से धर्म में नहीं है? क्या कोई मौलवी, पादरी या कोई पंडित विज्ञान की कसौटी पर अपने धर्म की हर बात को सही साबित कर पाएगा? और अगर नहीं तो सवाल सिर्फ हिंदू धर्म या पुजारियों से ही क्यों किया जाता है? अंधविश्वास उन्मूलन समिति के टारगेट पर हमेशा हिंदू संत ही क्यों होता है? यह धर्म निरपेक्षता है या दोहरी नीति? यही सवाल अब इस देश में आम आदमी बोल रहा है, जो सीधे सत्ता से टकरा रहा है।